हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे पियर्सिंग करना होता है। पियर्सिंग मतलब कान छेदना, इयररिंग पहनने के लिए नोज पियर्सिंग होता है, नोज पिन पहनने के लिए। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, एकदम थोड़ा सा पेनफुल। बहुत लोग डरते हैं पियर्सिंग करने से, मतलब उन लोगों को सही तरीका नहीं आता कैसे पियर्सिंग करना होता है। जैसे कि एकदम भी पेनलेस नहीं बोलूंगी, एकदम थोड़ा सा पेन होगा जो हम लोग कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी एकदम सहन कर पाएगा, और हंसते हंसते बच्चे लोग भी पियर्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पियर्सिंग करने से पहले मैं पियर्सिंग का जो किट होता है वो दिखा देती हूँ क्या होता है। तो ये ऐसा बॉक्स पैकेजिंग में आता है। तो इसमें जो पियर्सिंग का गन होता है वो इसमें रहता है। देखिए कितना सुंदर है दिखने में, ऐसा होता है पियर्सिंग का गन। ऐसा नहीं है कि ये गोल्डन कलर का है तो आपको सिर्फ गोल्डन कलर का ही लेना है। बाजार में आपको ब्लू कलर का, रेड कलर का, बहुत कलर का मिलता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ये गोल्डन कलर का। ये थोड़ा सा महंगा है, मेरा ये किट 950 में मैंने इसको लिया है। बाज़ार में 200, 250, 300 में भी मिलता है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता। थोड़ा सा कॉस्टली लेना चाहिए, जिससे पियर्सिंग भी अच्छे से होता है और कुछ खतरा भी नहीं रहता कि सही से, मतलब वो होल सही से हो जाता है और पेन एकदम भी, मतलब एकदम 10% पेन होता है, बहुत ही कम पेन होता है इसमें, इस गन से। बहुत ही क्वालिटीदार गन है, बहुत ही अच्छा वाला। तो आप लोग जब भी पियर्सिंग कीजिएगा तो अच्छा गन से कीजिएगा। तो मैंने एक गन लिया है और एक मार्कर है जिससे हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कहाँ पियर्सिंग करना होता है। और ये मैंने इयररिंग, जो पियर्सिंग का इयररिंग है, ये अलग से मैंने खरीदा है। तो चलिए कैसे गन में इसको लगाना होता है तो दिखा देते। तो देखिए ऐसा दिखने में होता है, एकदम शार्प होता है इसका एजेस, जिससे एकदम जब हम लोग गन को ट्रिगर करते हैं तो एकदम से ये जा सके। तो देखिए यहाँ पे ना एक होल है, इसमें हम लोग ये इयररिंग का जो पीछे वाला हिस्सा है ना वो इसमें डाल देंगे, ऐसे करके डाल देंगे और एकदम सीधा रखेंगे। और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम लोग ऐसे खींच लेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ज़्यादा डाउन कीजिएगा तो गिर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं गिरेगा। तो ये लॉक हो गया। अब हम लोग इस मार्कर से जहाँ पे भी आपको, मतलब पियर्सिंग करना है उधर ऐसे मार्क कर सकते हैं और उसको ऐसे करके, ऐसे करके उसको टच करना। तो चलिए आगे के वीडियो में मैं दिखाती हूँ कैसे पियर्सिंग करना होता है। तो इसको ना ऐसे करके जहाँ पे करना होता है ईयर पे या नोज पे, ऐसे करके इसको मारना होता है तो ये इयररिंग निकल जाता है और उसमें एक छेद हो जाता है। तो चलिए आगे का वीडियो में हम दिखाते हैं कि पियर्सिंग कैसे करना होता है। तो देखिए मैं इस छोटी सी बच्ची का आज ईयर पियर्सिंग कर रही हूँ। तो पहले से ही मैंने मार्कर से पॉइंट कर लिया है जहाँ पे मुझे पियर्सिंग करना है, एक डॉट सी बना लिया है। आप लोग भी ऐसा कीजिएगा क्योंकि इसमें ना पियर्सिंग करने में बहुत सुविधा होता है। तो बस देखिए कान में वो टच करना होता है जहाँ पे वो एक सी टाइप का बना हुआ है गन में, उसको कान से टच करके बस ट्रिगर को आपको दबाना होता है। बस बहुत ही इजी है, एकदम निशाने पे गया है, इसीलिए मार्क कर देना चाहिए क्योंकि हम लोगों को एक अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे यहाँ पे पियर्सिंग करना होता है। तो सेम प्रोसेस में मैं नेक्स्ट कान में भी कर रही हूँ। और देखिए एकदम क्यूट सी बेबी है, 4 साल की है ये, एकदम भी इसका कुछ भी, मतलब इसको दर्द एकदम भी नहीं हुआ। अगर दर्द होता तो ये रोने लगती। तो देखिए कितना हंस हंस के ये पियर्सिंग कर रही है। देखिए छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा तो नर्वस तो होगी, लेकिन दर्द एकदम नहीं होता, एकदम बहुत ही कम दर्द होता है जो बच्चे लोग भी हंस के सहन कर लेते हैं। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, गन हमेशा एक अच्छे क्वालिटी की ही लेना,
कम दाम का क्वालिटी से गन से पियर्सिंग कीजिएगा तो दर्द हो सकता है और पियर्सिंग सही से नहीं भी हो सकता है, तो गन अच्छे क्वालिटी की लेना चाहिए। स्पेशली बच्चे लोगों के लिए जब पियर्सिंग करना होता है तो अच्छे क्वालिटी का गन से ही कीजिए। तो मैंने पीछे से जो वो लॉक करते हैं वो हम लगा दिए हैं, बस पियर्सिंग इज़ डन। बहुत ही सिंपल है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।